और ये सबका एक सबको अपने अपने जीवन में जिन जिन के साथ साथ फेरे हो चुके हैं वो भी जरा रिपीट कर लेना। नहीं, बहुत ने तो ध्यान से सुना ही नहीं होगा कि सात वचन हमने क्या दे दिए क्या ले लिए, तो जिन्होंने सुना होगा वो बिल्कुल खुशहाल होंगे मुझे ऐसा लगता है, और जिन्होंने नहीं सुना होगा ध्यान से वो आज ध्यान से सुन लें, और जो आने वाले हमारी कैंडिडेट्स हैं जिनका कि आगे लग्न मंडप सजने वाला है वो भी ध्यान से सुन लें कि कन्यादान शादी विवाह ये सब कहने के सुनने में ऐसे एंजॉयमेंट हमें लग रहा, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में जीवन की रूपरेखा तय होती है हमारी इन्हीं मंगल कार्यक्रम मंगल विवाह कार्यक्रम से, क्योंकि घर में अगर पत्नी आपको समझदार मिली तो आप स्टार, अगर आप पत्नी समझदार नहीं तो स्टार होके भी आपकी स्टार पे धूल पड़ सकती है। ज़रूर ध्यान रखें आप इस बात का, पत्नी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। आइए वो सात वचन क्या है। हर वचन में वर जो है वो विष्णु भगवान से अग्निदेव को साक्षी मान के कहते हैं कि हाँ, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दो कि मैं इन वचनों को पूरा कर सकूं। वर कहते हैं पहले वचन की शुरुआत में, ओम एकमिषे विष्णुस्त्वनयतु। कन्या वचन देती है कि आप पहले ये पहला वचन मुझे दो। तीर्थ व्रतो द्यापण यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयं कुरिया वामागयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारि। संस्कृत के इस मंत्र का सीधा मतलब है कि पतिदेव आशीष जी, यही नाम है हमारे दूल्हे राजा का। आप ध्यान से सुनिए इन सातों वचनों को कि आप जब भी कोई तीर्थ यात्रा करो, धर्म कर्म करो, यज्ञ करो, पूजा अनुष्ठान करो, तो उन सब में मैं मुझे सहभागी बनो, उन सब का फल मुझे आधा आधा मिलना चाहिए। आप ये वचन मुझे दे रहे हैं तो मैं आपकी वामांग ग्रहण करने को तैयार हूँ। हमारे आशीष जी आज आप ये वचन देने के लिए तैयार हैं, तो हमारे आशीष जी वचन देते हैं कि हाँ, आज से तुम्हारे खान पान आपके रहन सहन की सारी जिम्मेदारियाँ मैं वहन करता हूँ। जीवन में कभी भी आपकी पत्नी को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आशीष जी, इस बात का आप विष्णु रूप में धन्य धान्य की वर्षा करने का आपको वचन देना है। स्पेशली मैं दुल्हन रानी से कहूँगा कि जो भी आपके पसंद के डिश हो वो आप आज ही अपना लिस्ट बना के दे दें आशीष जी को। और आशीष जी ये नहीं कि मम्मी का बनाया हुआ प्लेट में परोस के आपने खिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उससे पूछना पड़ेगा कि हाँ, आपको क्या खाना है, क्या अच्छा लगता है, उनके टेस्ट का ध्यान रखेंगे। दूसरा वचन कन्या आपसे चाहती है, पहले वचन, अभी वर तो हमेशा तैयार रहते हैं, पहले कहते हैं हाँ ठीक है आप जो भी मांगो सात वचन देने को तैयार हूँ, तो वर हमारे विष्णु भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं, ओम द्वे उर्जे विष्णु स्वानयतु। कन्या आपसे वचन मांगती है, पूज्यो यथा स्वपितरो मम पितृदेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामागयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम्। कन्या कहती है कि जिस प्रकार मैं अपने माता पिता स्वजन की आदर करती हूँ, आप भी मेरे माता पिता की आज से उतना ही आदर और सम्मान करेंगे। सुन रहे हैं आप आशीष जी हमारे बातों को, जो वचन आपसे आज कन्या मांग रही है, आज के बाद
आपके परिवार, पितर, कुटुंब, सबके सम्मान, सबको आप उतना ही सम्मान, यानी कि आज के बाद आपके दो माता पिता होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोर, आज के बाद आपके दो माता पिता होंगे, हमारी दुल्हन के भी दो माता पिता होंगे। तो जितना आदर सम्मान आप अपने माता पिता को देते हैं, उतना ही आदर सम्मान आपको अपने ससुर और सास को भी देना है। और कन्या के लिए भी यही है कि वो भी अपने धर्मानुष्ठान, अपने हर कर्म को एकदम माता सास ससुर के हिसाब से ही अनुष्ठित करेंगी। उनको हर कर्म को करने से पहले सास ससुर की आज्ञा लेंगी और अपने सास ससुर के हिसाब से ही कोई भी कार्य करेगी। और स्पेशल बात जो है इस दूसरे वचन का, ये जरा ध्यान देने योग्य बातें हैं। आप जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बहुत ताकत होती है मर्दों के शरीर में। तो एक खास जो आपको वचन देना है इस दूसरे वचन में, आशीष जी आपको ये स्पेशल वचन देना है कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी पत्नी की रक्षा के लिए करेंगे, अपने पत्नी के ऊपर नहीं करेंगे। आज के बाद कभी भी आप कहीं भी कितने भी टेंशन में हो, ऑफिस से आए हो, कितना भी तकलीफ में हो, आप कभी भी अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाएंगे। ये वचन देने को तैयार है? मेरे सामने बहुत लोग खड़े हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ दूल्हे राजा की जो एक्सप्रेशन, देख नहीं पा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा मुझे देखने दीजिए। जी आशीष जी आप रेडी हैं, ये बात का वचन देते हैं? जी, तो आज से हमारी दुल्हन, हमारी विद्या रानी आपकी हुई, आपकी वामन ग्रहण करती हैं।